एनसीपी एग्जिट पार्टी में दो गुट नहीं, अजीत की मांग हो खारिज, शरद पवार ने इलेक्शन कमीशन को भेजी चिट्ठी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी एकजुट है और इसमें कोई विभाजन नहीं है। एनसीपी नेता शरद पवार ने चुनाव आयोग से कहा कि पार्टी में कोई दो गुट नहीं है और कोई विवाद नहीं है। अजीत पवार के गुट की ओर से दावा किया गया कि एनसीपी हमारी है। इसके बाद अजीत पवार गुट ने केंद्रीय चुनाव आयोग में याचिका दायर की है। इसके बाद चुनाव आयोग ने शरद पवार गुट को अपनी बात रखने के लिए नोटिस भेजा। अब शरद पवार गुट ने जवाब देते हुए जानकारी दी है कि पार्टी हमारी है और अजीत पवार ने सिर्फ भ्रम पैदा किया है। अजीत पवार की मांग खारिज होनी चाहिए। सहयोगी संस्थान एपीपी माझा की रिपोर्ट के अनुसार शरद पवार ने कहा कि एनसीपी पार्टी एकजुट है और पार्टी में कोई गुट नहीं है। हमने अजीत पवार द्वारा दायर दस्तावेजों पर आपत्ति जताते हुए 3 अगस्त 2023 को प्रारंभिक प्रतिक्रिया दायर की थी। एनसीपी चुनाव चिन्ह पर अजीत पवार का दावा खारिज किया जाना चाहिए। अजीत पवार के पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि पार्टी में दो गुट हैं। यहां तक कि चुनाव आयोग ने भी यह तय नहीं किया है कि कोई विवाद है। इस आधार पर अजीत पवार का पर्चा खारिज किया जाना चाहिए। एनसीपी के चुनाव चिन्ह पर दावा करना जल्दबाजी। चिट्ठी में कहा गया कि हम पार्टी के संविधान के खिलाफ काम करने वाले एक अज्ञात समूह के झूठे दावों का खंडन करने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि अजीत पवार ने 1 जुलाई 2023 से कोई शिकायत नहीं की है। एनसीपी की किसी भी बैठक का विरोध नहीं किया गया। शरद पवार ने यह भी कहा कि अभी याचिका दायर करना जल्दबाजी होगी, इसलिए उनकी मांग खारिज की जानी चाहिए। अजीत पवार कर रहे हैं भ्रम पैदा करने की कोशिश। एबीपी माझा के अनुसार जितेंद्र अवहाड़ ने कहा कि अजीत पवार गुट ने जो दस्तावेज देकर दावा किया है कि राष्ट्रवादी पार्टी उनके साथ है, वे भी गलत है। हमने चुनाव आयोग द्वारा हमें भेजे गए पत्र का जवाब दे दिया है। जितेंद्र ने बताया कि हमने कहा है कि पार्टी में कोई फूट नहीं है। उन्होंने 5 जुलाई को एक पत्र भेजा और कहा कि पत्र पर 30 जून की तारीख है। अवहाड़ ने कहा कि अजीत पवार द्वारा भ्रम पैदा किया जा रहा है।